वीडियो में आपको बताऊंगी बैग कैसे बना। तो देखिए इस वीडियो में आपको बैग के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए ये बचा हुआ मैंने कपड़े ले लिए हैं, जैसे आपके कुर्ती के बचे हुए टुकड़े रहते हैं उसमें से ही आप सुंदर सा बैग बना सकते हैं। जैसे आप बाज़ार जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, तो आजकल मार्केट में पॉलीथीन बंद हो गई है, तो आपको बैग लेके जाना पड़ता है। तो आप अपने आप ही सुंदर सा बैग बना सकते हैं वो भी बचे हुए टुकड़ों में से। जैसे कि ये मेरा कुर्ती का बचा हुआ टुकड़ा है, और देखिए ये जो साड़ी के अंदर फॉर्म निकलती है ये वाली फॉर्म है। अगर आप फॉर्म नहीं है आपके पास तो आप इसमें जो राइस बोरा है वो भी यूज कर सकते हैं। और देखिए ये मैंने एक रेडीमेड जो हमारी पॉलीथीन आती है कपड़े वाली वो पॉलीथीन ली है, तो कोई भी साइज़ की आप पॉलीथीन ले सकते हैं। तो देखिए ये जो पॉलीथीन है तो इसको मैं यहाँ से साइड से कट कर दूँगी दोनों साइड से, और एक नीचे से भी, तो इसके दो पीस अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने ये बड़ा लिया है, साइज़ बता देती हूँ, आप छोटा जो भी जैसा बनाना चाहते हैं जिस साइज़ का उस साइज़ की पॉलीथीन ले सकते हैं। जैसे ये 18 इंच लंबाई है इसकी, और देखिए इसकी चौड़ाई 13.5 इंच है। तो हम इसको पहले तीन पीस कट कर लेते हैं तीनों साइडों से, मतलब दो पीस रहे। तो देखिए ये पीस मैंने कट कर लिया है, अभी आपको तैयार करने का तरीका बताती हूँ। तो इस पीस को इसी तरीके से रख लिया है, और देखिए ये मैंने जैसे बताया ये फॉर्म का टुकड़ा ले लिया है, इसी के बराबर फॉर्म ले लें। और इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा है बचा हुआ इसके भी पीस आप इसी तरीके से कट कर लें। तो देखिए ये पीस इस तरीके से आ जाएगा, इसको पहले हम पूरा सिल लेंगे। सिलने के बाद आप इसमें इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे क्या है ये बॉक्स बन जाएंगे। तो देखिए मैंने पीस कट कर लिया है, तो नीचे ये उल्टा रख लेंगे, इसके ऊपर ये फॉर्म आ जाएगा, उसके ऊपर ये हमारी कवर आ जाएगा। इसके बाद हम इसको जैसे मैंने बताया अब इस तरीके के चॉक्स भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे क्या है काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तरीका बता देते हैं, देखिए स्केल की सहायता से आप इस तरीके से कोने में टेप को इस तरीके से स्केल को रख लेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना लें। और इसमें ज़रूरी नहीं है छोटे बॉक्स बनाने, आप बड़े बड़े बॉक्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं बड़े बड़े बना रही हूँ, तो कम से कम ये 2.5 से 3 इंच का गैप दे सकते हैं, पर रखना आपको इस तरीके से क्रॉस में ही है स्केल को। तो इस तरीके से हमें इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जो ऊपर की तरफ लेना है हैंडल की तरफ, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के आसपास एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। तैयार होने के बाद जो बचेगा उसको कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से कर लिया, अब फिर से हम यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में कर देंगे। देखिए इस तरीके के ये बॉक्स आ जाएंगे, तो इन्हीं मार्किंग जो की है इसी मार्किंग में हम स्लाइड डाल देंगे। देखिए जो हमने ये मार्किंग की है अभी सेम मार्किंग पे हम स्टिचिंग डाल देते हैं। तो एक साइड से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए ये जितनी भी मार्किंग की थी मैंने सब पे स्टिचिंग डाल दिया है। अभी जो हमारा यहाँ पे ये कट है, पहले इस कट को यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये कट कंप्लीट हो चुका है, और इसको भी इस तरीके से सीधा रख लें, और देखिए मैंने अस्तर ले लिया है, इसको इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से उल्टा कर लें, अभी यहाँ से लेके सेम शेप में इसको स्टिच कर देंगे, और उसके बाद इस पार्ट को कट कर देंगे। इस सेम हमारा हैंडल तैयार हो जाएगा, अब इसको फिर से सीधा कर लेते हैं, और सीधा करके इसके किनारे पर सिलाई डाल। तो देखिए दूसरा पीस भी मैंने तैयार कर लिया, दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। अभी हम सबसे पहले ये नीचे की तरफ इस पीसों को स्टिच कर लेते हैं, तो उल्टा रख लेंगे और यहाँ पर किनारे पे सिलाई डाल देंगे। ये नीचे की साइड में सिलाई डाल रहा है,
तो देखिए स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पे हम 2x2 का एक कट देंगे, तो 2 इंच तो हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से यहाँ से, और 2 इंच यहाँ पे ले लेंगे। तो ये 2x2 का ये बॉक्स बन जाएगा। इसी तरीके से इस साइड में भी बना लेंगे। इस कट को कट कर देंगे यहाँ पे जो मार्किंग की। तो देखिए ये कट हो गया है। तो सबसे पहले ये साइड वाले स्टिच डाल देते हैं दोनों साइडों के। तो देखिए दोनों साइडों में मैंने स्टिच डाल दिए। अभी जो हमने ये कट दिया था 2x2 का, इस कट को हम यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे और दोनों सिलाई आमने सामने आएंगी और यहाँ पे हम स्टिच डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई डाल दी है दोनों कोने में। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 4 इंच का हमारा ये बॉक्स आ गया है, क्योंकि हमने 2-2 इंच कट किया था। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें आप काफ़ी सामान स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा बैग है इसमें। तो देखिए जैसे कि आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आजकल पॉलीथीन तो मिलती नहीं है, तो आपको बैग ले जाना है तो आप ये बैग बना सकते हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी सब्ज़ियाँ आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। अच्छा है, हैंडी बैग है। देखिए आप इसे अपने पर्स में डाल के ले जा सकते हैं। काफ़ी आसान था इसे बनाना, तो आप इस आसान तरीके से बचे हुए टुकड़े में से ये डिजाइन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।